नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। लंकापति रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद भगवान श्री राम के साथ हुए युद्ध में राम भक्त श्री हनुमान का अमूल्य योगदान रहा है, इस बारे में हम सभी जानते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं श्री हनुमान का जन्म कहाँ हुआ था? आइए आज इस रहस्य पर गृह पर्दे को उठाते हैं कि कहाँ पर है श्री राम भक्त हनुमान जी की जन्मस्थली। इस इलाके में रहने वाले लोग आज भी अपने आप को भक्त श्री हनुमान जी का वंशज मानते हैं। कहाँ पर स्थित है हनुमान जी की जन्मस्थली? हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के गुमला जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित आंजन धाम में हुआ माना जाता है। इस बारे में इस इलाके में कई दंत कथाएँ भी प्रचलित हैं। रामायण काल में गुमला जिले के पालकोट प्रखंड में बाली व सुग्रीव का राज था। आंजन एक गांव है जो जंगल व पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह स्थान प्राचीन धार्मिक स्थल है। यहीं पहाड़ की चोटी पर स्थित विशाल गुफा में माता अंजनी के गर्भ से भगवान हनुमान ने जन्म लिया था। यहां पर आज भी अंजनी माता की मूर्ति विद्यमान है। अंजनी माता जिस गुफा में रहा करती थी, कुछ समय पहले ही खुदाई कर इस गुफा को खोला गया है। माना जाता है कि इस गुफा की लंबाई 1500 फीट से भी ज्यादा है। इस गुफा से ही माता अंजनी खटवा नदी पर जाकर स्नान करती थी। खटवा नदी के पास आज भी एक अंधेरी सुरंग है जो आंजन गुफा तक जाती है। इस सुरंग में खूंखार जानवर व विषैले जीव जंतुओं के कारण अब लोग इसमें नहीं जाते हैं। शिवलिंग व तालाबों का डेरा। आंजन धाम के इस क्षेत्र में भगवान शिव की पूजा करने की प्राचीन परंपरा है। माना जाता है कि इस इलाके में 360 तालाब व इतने ही शिवलिंग थे। अंजनी माता हर रोज एक तालाब में स्नान कर शिवलिंग की पूजा करती थी। वक्त की मार के कारण इन शिवलिंगों व तालाबों की संख्या कम हो गई है, परंतु आज भी इस क्षेत्र में प्राचीन काल के 100 से अधिक शिवलिंग व बड़ी संख्या में तालाब मौजूद हैं। नकटी देवी के समक्ष दी जाती है बकरे की बलि। आंजन में नकटी देवी नामक देवी स्थान है। यह भी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर कुछ धार्मिक आयोजनों पर सफ़ेद व काले बकरों की बलि दी जाती है। अंजनी माता के मंदिर के नीचे एक सर्प गुफा है जो अति प्राचीन है। अंजनी माता के दर्शन के बाद लोग इस सर्प गुफा का दर्शन करते हैं। गुफा में मिट्टी का एक टीला है जहाँ पर सांप भी देखा जाता है। लोगों का मानना है कि यह नागदेव हैं। धमधमिया पहाड़ था माता अंजनी का कोषागार। आंजन गुफा के नज़दीक ही धमधमिया पहाड़ है। इस पहाड़ का आकार बैल की तरह है। सबसे खास बात यह है कि इस पहाड़ पर चलने से एक स्थान पर धमधम की आवाज़ भी आती है। कहा जाता है कि माता अंजनी का यह कोषागार था। यहाँ पर माता अंजनी बहुमूल्य वस्तुएं रखती थी। पंपापुर स्थित गुफा में छिपा था सुग्रीव। किष्किंधा मौजूदा समय के उमड़ा गाँव से कुछ दूरी पर एक गुफा है। जब बाली ने सुग्रीव को भगा दिया था तो सुग्रीव उसी गुफा में आकर छिप गया था। आज भी यह गुफा मौजूद है। इसे सुग्रीव गुफा कहा जाता है। गुफा के भीतर प्राचीन काल का बना जलकुंड भी है। इस गुफा से दूसरे छोर तक एक सुरंग निकलती है। पंपापुर रुके थे श्री राम व लक्ष्मण। सुग्रीव गुफा के पास ही पंपापुर नामक स्थान है। यहाँ पर सरोवर भी है। लंकापति रावण द्वारा माता सीता का हरण करने के बाद राम व लक्ष्मण इसी स्थान पर आकर रुके थे। यहीं पर श्री राम व लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव से हुई थी। यहीं पर सुग्रीव ने बाली को ललकारा और श्री राम ने छिपकर बाली को मार दिया था। तब लक्ष्मण द्वारा सुग्रीव का अभिषेक करवाया गया था। पंपापुर में ही है शबरी की कुटिया। पंपापुर पहाड़ में शबरी आश्रम भी है। सीता की खोज करते हुए श्री राम व लक्ष्मण शबरी कुटिया में पहुंचे थे। तब शबरी ने बेर खिलाकर उनका आदर सत्कार किया था। बैगा पहान और पुजार अपने आप को मानते हैं हनुमान के वंशज। गुमला जिले के लोग आज भी अपने आप को श्री हनुमान का वंशज मानते हैं। आंजन में रामनवमी के पर्व पर गांव में बैंगा पहान व पुजार जाति के लोग सबसे पहले पूजा करते हैं। गांव में एक अखाड़ा भी बना है जहां पर 3 दिनों तक शस्त्र चालन प्रतियोगिता वाला एक ऐतिहासिक मेला करवाया जाता है। यहां पर मेला एक सदी से आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में आसपास के गांवों के लोग हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी श्री हनुमान के जन्म स्थान से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।